तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा, एशेज का सेकेंड मैच इंग्लैंड हार गई है 43 रन से। और भाई मैच हारने का सबसे बड़ा कारण थे ब्रेस्टो का रन आउट। ब्रेस्टो का रन आउट यदि नहीं होता तो शायद ये मैच जीत जाते। एंड ये काफी कंट्रोवर्शियल आउट था, काफी लोग कह रहे हैं जहां पे स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी, वहीं काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई ये सही किया ब्रेस्टो को समझ। वैसे आप किस बारे में कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग की कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। लेकिन बात करते हैं बेन स्टोक के बारे में, जिन्होंने इतनी गजब इनिंग खेली। जब ब्रेस्टो बैटिंग कर रहे थे, जब बेन स्टोक ने 128 बॉल में 62 रन बनाए थे, लेकिन जैसे ही ब्रेस्टो आउट हुए और इंग्लैंड हारने वाली थी, तब बेन स्टोक ने 86 बॉल में 93 रन बना दिए। भाई एकदम से इंग्लैंड जीतने लगी। इसलिए जैसे ही बेन स्टोक आउट हुए, सब लोग उनको अप्रिशिएट करने लग गए। जैसे स्मिथ ने उनको लिटरली अप्रिशिएट किया, केएल राहुल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में स्टैक ही लिखा, और विराट कोहली खुद जो हमेशा बेन स्टोक का नाम जपते रहते हैं, उन्होंने लिखा, आई वॉजंट जोकिंग अबाउट कॉलिंग बेन स्टोक द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्लॉक आई हैव एवर प्लेड अगेंस्ट, इनिंग ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बट ऑस्ट्रेलिया इज टू गुड एट द मूवमेंट। और यस, बेन स्टोक ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नंबर 6 में बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने लास्ट दिन, मतलब लास्ट दिन किसी ने आज तक इतने सारे रन नहीं बनाए। मैच के बाद बेन स्टोक ने स्टेटमेंट दिया कि हम अभी न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा के आ रहे हैं और पाकिस्तान को 2-0। हमें पता है कि आगे आने वाले 3 के 3 मैच कैसे जीतने हैं और इस सीरीज को 3-2 कैसे करना। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड अगले 3 मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? वैसे एलेक्स कैरी ने जो रन आउट किया, इससे सिमिलर सा रन आउट इंडिया ने किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी अपील विड्रॉल कर ली थी। उस समय धोनी कैप्टन हुआ करते थे। उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं कि धोनी ने कैसे उस टाइम विड्रॉल कर ली थी अपील, जब सब उनको कहने लग गए थे। और अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया इसी के कारण जीत, और भाई इंडिया भी उस समय मैच जीत सकती थी, बट इंडिया ने अपील विड्रॉल कर ली।